उत्तर कोरिया नेता किम जोंग उन और अमरीकी राष्ट्रपति ट्रम्प ने ऐतिहासिक सिंगापुर समझौते पर दस्तखत कर दिए हैं। मंगलवार सुबह से लेकर लंच तक उत्तर कोरियाई नेता किम जोंग उन और अमरीकी राष्ट्रपति ट्रम्प के बीच दो बार बैठक हुई। पहले दोनों नेताओं ने करीब 50 मिनट तक बंद कमरे में बातचीत की और फिर दोनों पक्षों के प्रतिनिधि मंडल दूसरे दौर की बातचीत के लिए जुटे। बैठकों के बाद दोनों नेताओं ने संयुक्त बयान पर दस्तखत किए। अमरीकी राष्ट्रपति ने कहा कि इस मीटिंग से उम्मीद से कहीं ज्यादा हासिल हुआ। बैठक के बाद मीडिया को संबोधित करते हुए ट्रंप और किम जोंग ने कहा कि दुनिया अब अमरीका और नॉर्थ कोरिया के संबंधों का नया आयाम देखेगी। किम के साथ मुलाकात को ट्रंप ने ऐतिहासिक करार दिया। दोनों नेताओं ने समझौते पर हस्ताक्षर किए। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने उम्मीद जताई कि यह शिखर वार्ता आने वाले दिनों में दोनों देशों के बीच जबरदस्त गर्मजोशी वाले संबंध को जन्म देगी। साझा बयान के दौरान दोनों नेता गर्मजोशी से एक दूसरे को मिले और साथ बैठे। अमेरिकी राष्ट्रपति ने उम्मीद जताई कि दोनों देशों के रिश्ते बेहद शानदार होंगे। उन्होंने कहा कि वास्तव में मैं बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूं। हमने कई मुद्दों पर बेहद अच्छी चर्चा की। वहीं तानाशाह किम जोंग ने कहा कि सिंगापुर में आज हो रही बैठक की राह में कई बाधाएं थी जिन्हें हमने पार किया और आज हम यहाँ हैं। दोनों देशों के नेताओं की यह मुलाकात एकांत में हुई। इस दौरान वहां केवल अनुवादक मौजूद थे। माना जा रहा है कि दोनों नेता व्यक्तिगत मतभेदों पर बात करने के साथ दोनों देशों के द्विपक्षीय मुद्दों पर बातचीत की। भारतीय समय के अनुसार सुबह करीब 6:40 पर कैपेला रिजोर्ट के एशियन हॉल में दोनों नेताओं ने एक दूसरे का अभिवादन किया। दोनों नेताओं के बीच परमाणु हथियारों के प्रयोग को रोकने के साथ ही अन्य कई मुद्दों पर वार्ता हुई। खबरों के मुताबिक अगर उत्तर कोरिया अपने परमाणु कार्यक्रम की पूरी तरह से खत्म करने को स्वीकार करता है तो अमेरिका ने इसे चतुर्दिक सुरक्षा देने का भरोसा दिलाया। सोमवार को अमेरिकी विदेश मंत्री ने कहा कि उत्तर कोरिया के पास अमेरिका के साथ अपने रिश्तों को नई दिशा देने का अभूतपूर्व मौका है। सिंगापुर में ट्रंप और किम जोंग के बीच हुई हाई प्रोफाइल मीटिंग के दौरान नेता शुरू से ही एक दूसरे के ऊपर हावी होने की कोशिश करते हुए नजर आए। दोनों नेताओं के बीच भरोसे का संकट कायम बना हुआ था जिसको तोड़ना दोनों के लिए आसान नहीं था। सिंगापुर में सेंटोसा आइलैंड के कैपेला रिजोर्ट में हो रही इस बैठक पर दुनिया भर की निगाहें टिकी थी। आने वाले वक्त में यह बैठक एशिया के साथ साथ विश्व की राजनीति और शक्ति संतुलन पर दूरगामी प्रभाव डालेगी। बता दें कि यह पहला मौका है जब अमरीकी और उत्तर कोरियाई शीर्ष नेताओं की मुलाकात हुई। एक दूसरे के ऊपर मिसाइलें तान देने और खुले तौर पर परमाणु युद्ध की धमकी देने वाले दुनिया के इन दो बड़े नेताओं की इस मुलाकात ने एक नए युग का सूत्रपात किया है।